कर्नाटक राज्य के उड़पे में मुस्लिम छात्रों की हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने की घिनौनी हरकत का देश भर में पुरजोर विरोध किया जा रहा है इसी कड़ी में यवतमाल जिले के दिग्रज शहर में तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट सुपर पावर बनने की क्षमता रखने वाले भारत देश की आबो हवा में बीते कुछ सालों से नफरत बाजों ने ऐसा जहर घोला है कि जिससे न सिर्फ स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है बल्कि देश के नागरिकों के बुनियादी और संवैधानिक अधिकारों को पैरों तले रौंदने की फांसीवादी हरकतें धड़ल्ले से जारी है हाथाई जानकारी के अनुसार कर्नाटक राज्य के उड़पी जिले के भंडारकर्स आर्ट्स एवं साइंस कॉलेज सहित अन्य स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्र के हिजाब पर पाबंदी लगाने की घटिया हरकत को अंजाम दिया गया है इस हरकत पर न सिर्फ संबंधित स्कूल और कॉलेज प्रशासन दोषी है बल्कि जिला प्रशासन भी इसमें बराबर का भागीदार है इस घटना के बाद देश भर में कर्नाटक सरकार और उड़पी जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है इसी कड़ी में यवतमाल जिले के दिग्रज शहर में अमन पसंद मुस्लिम समाज के नागरिक युवा छात्र छात्राओं ने मंगलवार को स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर कर्नाटक राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है दिग्रज शहर के सभी शांतिप्रिय मुस्लिम नागरिक छात्र एवं छात्राएं डिग्रस तहसीलदार के पास हमारी भावनाएं रखने के लिए आए कर्नाटक राज्य में मुस्लिम विद्यार्थियों के साथ मुस्लिम छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया खास करके उडुपी जिला प्रशासन और उडुपी जिला प्रशासन के साथ साथ वहाँ के जो कॉलेजेस प्रबंधन हैं उन्होंने मुस्लिम छात्राओं को नकाब पहनकर अपने कॉलेजेस में अपने स्कूलों में आने के लिए मना किया उस घटना का हम घोर निषेध करते हैं और तहसीलदार मार्फत हम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करते हैं कि कर्नाटक सरकार को तुरंत बर्खास्त करें वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए और देशद्रोह का मुकदमा उडुपी जिला प्रशासन पर दाखिल करें क्योंकि उड़ुपी जिला प्रशासन ने हमारा अपना मूलभूत अधिकार जो है अपना पहनावा अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर कायम रहकर जीवन यापन करना इस संविधान के अधिकारों का हनन किया है हमारी गौरतलब है कि अगले साल कर्नाटक में चुनाव होना है ऐसे में जानकारों की माने तो वहां पर कट्टरपंथी विचारधारा के सियासी गुट धार्मिक द्वेष के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देकर राजनीतिक स्वार्थ हथियाने पर तुले हैं। वैसे भी बीते कुछ सालों से देश में धर्म आधारित तो द्वेष की लहर चल पड़ी है कभी सबके न्याय और इंसाफ की बात कहने वाली और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले देश का शीर्ष नेतृत्व भी इस घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठा है है जो कि न सिर्फ अफसोस की बल्कि बेहद शर्म की बात है बी न्यूज के लिए दिगर से जुबैर खान की रिपोर्ट